हमने पिछले व्याख्यान में मेजर स्केल के बारे में जाना था और किस तरह से फार्मूले के आधार पर, सूत्र के आधार पर अन्य स्वरों के मेजर स्केल किस तरह से बनाए जाते हैं, इसका उदाहरण देके हमने जी का स्केल बताया था और यह कहा था कि आप इसका अभ्यास करें, अन्य स्वरों से अभ्यास करें। तो मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ स्वरों का अभ्यास करके उनका मेजर स्केल बना के अवश्य देखा होगा। आज मैं एक स्वर का और बना के आपको बताता हूँ। तो अगर कोई इस बारे में कन्फ्यूज़न है, कोई शंका है कि किस तरह से मेजर स्केल बनाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो शंकाएँ इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। आज मैं आपको उदाहरणार्थ एफ का मेजर स्केल बना के बताऊंगा। पिछले मैंने जी का बताया था, इस बार एफ का। एफ यानी भारतीय के हिसाब से हो गया मध्यम या म। तो दोनों चीज़ें पहले तो हम लिख लें, ऊपर से एफ तक के स्वर लिख लें। एफ जी ए बी सी डी ई एफ। नीचे समझने के लिए हिंदी नाम भी लिख लें, म प ध नी सा रे ग और म। एक बार आप ध्यान से समझ लो तो काफ़ी आसान है किसी स्वर का मेजर स्केल बनाना। फार्मूला आपको कंठस्थ हो गया होगा, मेजर स्केल का फार्मूला क्या है? टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। तो यहाँ भी अब हम सर्वप्रथम जो स्केल लिखे हैं म से लेकर म तक, उसके बीच का सबसे पहले जो अंतराल है, पहले वो चेक करेंगे कि इनका अंतराल कितना है और हमें मेजर स्केल बनाने के लिए कितने कितने अंतराल चाहिए फार्मूले के अनुसार। देखिए, माँ और प के बीच में तीव्र मध्यम आ गया, तो इसका अंतराल हो गया टोन, क्योंकि तो एक स्वर इसमें आ चुका है तीव्र मध्यम। प और ध के बीच में कोमल ध आने से इसका अंतराल भी टोन का हो गया। ध और नी के बीच में कोमल नी आ गया, तो इसका अंतराल भी टोन का हो गया। नी और सा के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसका अंतराल हो गया सेमी टोन। सा और रे के बीच में कोमल रे होने के कारण इसका अंतराल हो गया टोन। रे और गा के बीच में कोमल ग होने से इसका भी अंतराल हो गया टोन। और ग और म के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसका अंतराल हो गया सेमी टोन। अब फार्मूले से मिलाएं, यहाँ क्या आ रहा है? टोन 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 सेमी टोन, टोन टोन सेमी टोन, ये निकल के आया। इस स्केल को अपन इस तरीके से लिखे हैं तो। लेकिन मेजर स्केल के फार्मूले से हमें क्या चाहिए? टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। दोनों में अंतर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जहाँ ऊपर से हमको चाहिए टोन टोन सेमी टोन, लेकिन नीचे है उस जगह पे टोन टोन और टोन, यहाँ पे दिक्कत आ गई इसके मेजर स्केल में।
तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे कि ये सेमी टोन बन जाए और उसके बाद में अगला पार्ट जो टोन है वो टोन हो जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम जो नी है इसको कर दें कोमल, समझ रहे हो, नी को अगर हम कोमल कर दें, या नी का नाम क्या बोल सकते हैं अपन, बी, बी को फ्लैट कर दें, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नी बन गया कोमल नी, और ध और नी का जो अंतर हो गया ये हो गया सेमी टोन का, टोन टोन सेमी टोन, यहाँ तक हम सही हो गए। इसके बाद में यहाँ पे था पहले सेमी टोन और इस जगह हमें चाहिए था टोन। अब आप देखो नी को जैसे आपने फ्लैट किया तो फ्लैट करते ही ये कोमल नी बन गया, और कोमल नी और ये सा, कोमल नी और सा, इसके बीच में कौन सा स्वर आ गया, शुद्ध नी, तो इसकी दूरी कितनी बन गई टोन की। तो कोमल नी करते ही हमारा फार्मूला बदल के क्या हो गया, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। ध्यान से देखिए ये फार्मूला वापस हो गया सही, नी को हमने फ्लैट कर दिया या बी को हमने फ्लैट कर दिया, कोमल नी बना दिया, तो ध और नी के बीच में सेमी टोन बन गया, और कोमल नी और मतलब ध और कोमल नी के नीचे बन गया सेमी टोन, और कोमल नी और सा इसके बीच में शुद्ध नी होने के कारण इसका बन गया टोन। तो हमने फार्मूला प्राप्त कर लिया, कौन सा वाला, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एफ का जब भी हम मेजर स्केल बनाएंगे तो उसमें बी को फ्लैट कर देंगे या नी को कोमल कर देंगे, दर्शाने के लिए वही करेंगे, पांच लाइन बनाएंगे, टेबल क्लेफ का साइन लगाएंगे, और ये आपका सा था छठवीं लाइन का, सा रे ग मा, ये जो माँ वाला हिस्सा है इस जगह से हम स्केल लिखना शुरू करेंगे। उसी क्रम से लाइन के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइन के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइन के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइन के बीच में, और हो गया एफ जी ए बी सी डी ई, इस तरीके से पहले हम लिखेंगे एफ से लेके एफ तक अंडाकार चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद हमने क्या किया था, बी को फ्लैट किया था, तो बी जहाँ पे है उसके आगे ऐसे फ्लैट का साइन लगा देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी मेजर स्केल ऑफ एफ। फ्लैट का साइन लगा दिया संबंधित लाइन में तो बन गया मेजर स्केल ऑफ एफ, समझ गए। इस तरीके से अब आप बाकी स्वरों के अपने आप बनाएंगे, और किसी को कुछ समस्या हो तो ग्रुप में मैसेज करके या कॉल करके बात करेंगे, अगर कोई दिक्कत है आपकी समस्या का निराकरण चैनल के माध्यम से कर दिया जाएगा।